मैंने अमित शाह जी से कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सुनिए, 2014 में मैं रिटायरमेंट लेना चाहता था। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अपने देवीपाटन मंडल के बारे में कुछ सोच रखा है, ये हमारे बच्चे जो है इनके बारे में मैंने कुछ सोच रखा है, मैं वही काम करूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूरे मंडल का बताया कि कहां किसको टिकट दे दिया है और लास्ट में उन्होंने बताया कि पलटू राम को बलरामपुर से और प्रदीप को गोंडा से टिकट दे दिया। जब बहराइच में अमित शाह जी से हमारी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में पलटू राम जी बैठे थे और मैं बैठा था और अमित शाह जी बैठे थे। बातचीत चली, मैंने अमित शाह जी से कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सुनिए, 2014 में मैं रिटायरमेंट लेना चाहता था। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो अमित शाह जी ने पूछा कि क्या करना चाहते हैं, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। हमने कहा मैंने समाज के बारे में कुछ सोच रखा है, अपने देवीपाटन मंडल के बारे में कुछ सोच रखा है, ये हमारे बच्चे जो है इनके बारे में मैंने कुछ सोच रखा है, मैं वही काम करूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, याद है प्रदीप जी, कि नहीं, आपको अभी चुनाव लड़ना है। अच्छा, उस समय मैंने ये भी कहा था और हमारे जगह पर प्रतीक को कैसरगंज से लड़वा दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसी समय अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और प्रतीक को और पलटू राम को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। उसी समय कहा था कि प्रतीक को और पलटू राम को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। और प्रतीक और पलटू राम की मैंने सिफारिश भी नहीं की और खुद टिकट का लिस्ट बना करके और सबसे पहले अमित शाह जी ने पूरे मंडल का बताया कि कहां किसको टिकट दे दिया है और लास्ट में उन्होंने बताया कि पलटू राम को बलरामपुर से और प्रतीक को गोंडा से टिकट दे दिया। लोग विश्वास नहीं करते, मैंने कभी प्रतीक की सिफारिश नहीं की, मैंने कभी पलटू राम की सिफारिश नहीं की। और मेरे भाइयों, ये संदर्भ मैं इसलिए उठाकर लेकर के आया हूं कि मैं 2014 में ही रिटायरमेंट लेना चाहता था। अब 14 भी बीत गया और 19 भी बीत गया,